जय हिंद। आप सब लोगों को अपना यूट्यूब चैनल स्टेलर में स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 12th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाने वाला है उससे हम कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्लास 12th का देखिए कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर दे दिया 3, 6, 5 माइनस 4, ठीक है, बी इक्वल टू 7, 8, 5, 6 इक्वल टू कर 2a प्लस 3b पार्ट, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दिया आपको a इक्वल टू 3, 6, 5 माइनस 4, b इक्वल टू दिया है तो कर 2a प्लस 3b क्या दिया। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्लास चैप्टर 3 में ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। मैट्रिक्स इस क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह हम लोग को होता है ये मैट्रिक्स का पहचान है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बना दीजिएगा 2a प्लस 3b, 2a तो गया, यहां पे एक मान रख देंगे 3, 6, 5 माइनस 4 प्लस 3, यहां पर b का मान रखिएगा 7, 8, 5, 6। और देखिए ये 6 हुआ, ये 12 हुआ, ये 10, ये 4 8, ठीक है, और प्लस अब यहां पर कह सकते 21, यह हुआ 24, यह कितना हो गया, ये 15, ये 18, और इसको क्या करेंगे लोग जोड़ देंगे तो 21 और 26 जोड़िएगा तो हो जाएगा 27, 12 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा 36, 10 15 जोड़िए तो हो गया 25, यहाँ पर 18, यहाँ पर मान 60 है तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का 10। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज से फिर लॉकडाउन चालू हो गया है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए पढ़ाई पर। अब स्थिति ऐसा हो गया कि पढ़ाई एक ठेला बन चुका है, जैसे कि ठेला का देखिएगा कि ठेला जब से खींचिएगा नहीं ठेला चलता नहीं है, ठेला का अपना कोई इंजन उंजन होता नहीं है, जब इंसान उस ठेला को चलाता है तो खुद वो ठेला चलता है, नहीं तो वो ठेला चलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार शिक्षा भी अब ठेला की तरह हो गया है कि बहुत आज लगभग 2019, 20, 21 और ये देखिए 22 चल रहा है, स्थिति ऐसा हो गया कि छोटे बच्चे की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुका है। तो अब देखिए क्या होगा, हम उस पर ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए इसलिए जो भी है आप लोग मन से पढ़िए ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और ताकि आप लोग रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है कि जेड अक्ष की दिक को जाए है, मतलब कि बोल रहा है कि इसका कोसाइन मतलब दिक कोसाइन मतलब क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ए में 0 0 0, बी में दिया है 1 0 0, ठीक है, सी में दिया है 0 0, डी में दिया है 0 0 1। देखिए ऑप्शन का आपको बता दे रहे हैं डी होगा, ठीक है, 0 0 1 होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझना होगा। जब भी जेड पूछेगा तो देखिएगा एक्स वाई जेड तीन चीज होते हैं, ठीक है, तो जब एक्स अक्ष पूछ देगा तो आपको होना चाहिए 1 और 2 को 0, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो हो गया ये वाई का होगा, ये जेड का होगा जब एक्स के लिए, ठीक है,
वाई के लिए जब पूछता है तो पहला जीरो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। फिर जेड के लिए पूछता है तो आपको जीरो कोमा जीरो कोमा वन होगा, तो ध्यान दीजिएगा तो आपको जेड से पूछ रहा था इसलिए आपका डी आंसर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा, इस प्रकार हम इसको बारे में जान सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, दे रहा है कि 21 क्वेश्चन नंबर तीन में ना, दो तो हो गया तीन, देखिए कह रहा है यदि एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तो एक डैश क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक का परिवर्तन ऑप्शन में दे दिया है, देखिए ऑप्शन में दिया है 2 1 3 5 4 6 बी में दिया है 4 5 6 1 2 3 सी में दिया है 14 25 36 ठीक है, और डी में दिया है 36 2 5 1 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानेंगे कि ए डैश मतलब होता है परिवर्त, ध्यान दीजिएगा ए डैश परिवर्त होता है, इसका हम परिवर्त कर देंगे तो जो रो में है वो कॉलम में जाएगा, जो कॉलम में वो रो में चल जाएगा। इसका हम करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए कि इसके अनुसार इसमें कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा है कि ये आपका सी है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, दे रहा है 4 में मान निकाले, मान निकाले। अब देखिए 1y-1z ठीक है, ए में दे रहा है x+y, बी में दे रहा है x-y, सी में दे रहा है -x-y और डी में दे रहा है 1-x। ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम देखिए क्या करने का, इसको इसको से करेंगे तो देखिए इसका जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो x हो गया 1 into 1, 1 into x हो गया, यहाँ माइनस होता है इसलिए आप करते हो y into -1, तो देखिए x हमारे साथ प्लस हो रही, इसका ऑप्शन हो जाएगा a, ठीक है ऑप्शन a हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है कुछ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन दिया है, पांच में पी ए 3/8, पी बी 1/2, अब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है ए में 2/3, सी में दिया है 1/3 और डी में दिया है 1/2 और डी में दिया है 5/8। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन एक लड़का पूछ दिया है कि सर बिहारी की क्या पहचान है, अब देखिए बिहारी का एक ही पहचान है, क्या पहचान है, बिहारी जहां भी जाता है उसका एक है क्या जी, तो वो गमछा ले लेगा, कहीं भी जाएगा ना तो देखेगा कहीं कोना ना मिलता है रास्ता तो खैनी बनाना चालू कर देगा,
खड़ी कर चले गए। तो बिहारी का अपना पहचान होता है, बिहारी का गमछा होता है, भाषा भी बोलेगा अरे, और वो गाली भी देना है तो हमारी पूरा तुरंत गाली दे देता है। और वही सब जो शहरी है वो सब सोचेगा भी पूरा मुंह मल्ले प्रवेले पूरा एसी में सूतल एकदम एकदम लग रहा है एकदम एसी मुझसे जैसा वही है एकदम पूरा देखेगा ब्यूटी पार्लर जाइएगा बड़ा बड़ा लोग को एकदम लगे एकदम लेप एकदम बुझाएगा उसको उसे एकदम भैया भैया दे। अब बिहार दिन में काम करता है कहीं भी काम करता है शाम को जाएगा एकदम उसे ठाट पर खटे सूतल नो टेंशन। बिहारी का अलग पहचान है, बिहारी एक ऐसा होता है ना उसकी आवाज उसकी चाल कपड़ा लत्ता पहनने से ही जान जाएंगे बिहारी। कोई भी देखिएगा बड़े बड़े राज्य में बिहार जाता है तो कोई पूछ देते अरे बिहारी का हाँ क्या दिक्कत है तुरंत जवाब है डरता उठता नहीं तुरंत कहता है एक बिहारी सौ को बारे तुरंत फाड़ देता है उसका इतना एक्शन रहता है। तो आइए तो बिहारी पहचान क्या है गपची ले लेगा खाली जहाँ मनोज ठूक ठाक कर मार के चल देगा भाई आपको देखते हैं पैसा भी लगता है कहीं फोन कोई मार टाइट से निकल गया। तो इस प्रकार बिहारी का अपना एक पहचान होती है ठीक उसी तरह हर एक पॉइंट की अपनी पहचान होती है इसकी पहचान है प्रोबेबिलिटी। तो आइए इसमें दिया है पी ए थ्री बाई एट पी जो है यहाँ पर पी बी बराबर दे दिया होगा इसको ठीक ना पी बी यहाँ आ जाएगा पी बी बराबर एक बाई दो हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए हाँ ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना होगा पी ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग रखेंगे तीन बटा आठ प्लस इसके जगह पर रखेंगे एक बटा दो और फिर पूछ रहा है इंटरसेक्शन मान दे चुका है तीन बटा कितना एक बटा चार तो एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा आठ ठीक है तीन हुआ चार तो चार हुआ यहाँ पर दो जोड़ लीजिएगा तो सात माइनस दो बटा आठ तो यहाँ पाँच बटा आठ हुआ। अब देखिए पाँच बटा आठ कहाँ है तो डी ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नौ बस मेहनत करना है और अपने को हर दिन दो से तीन घंटा पढ़ाई कीजिए आप लोग चलिए कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो दो से तीन घंटा इसी में तो प्रयास करेंगे छः से सात घंटा पढ़ें ताकि बिना आप पढ़े हुए कोई चीज एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं ठीक है। और देखिए उस क्वेश्चन आपको देता है इस टाइप का छ नंबर देख लीजिएगा मतलब इसमें भी तेल खत्म है इसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं देखिए उस क्वेश्चन सारणी से करता है सारणी एक एक दो तीन चार चार छ नौ के मान है। अब देखिए इस ऑप्शन ऑप्शन दिया है ए बी में दिया है जीरो बी में जीरो सी में इसको ले लेंगे हम लोग सी में दिया है आपका जीरो और डी में दिया है दो। देखो इसको हम लोग जब सारणिक निकालते हैं तो देखिए सारणिक है तो इसको लिख दीजिएगा वन 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 टू थ्री फोर फोर सिक्स नाइन। देखिए सारणिक क्या कॉल चिन्ह क्या होता है सबसे पहले जाइए इससे ऊपर वाला माइनस तो प्लस माइनस प्लस बस ऊपर वाला चीज के साथ तो चलेगा इसका अपने आप कहते हैं देखिए वन लेते हैं यहाँ पर तो ये गए भी ये गए देखिए मान लिया लाइन के लगभग मर दिया लाइन के लगभग मर दिया तो नौ दिया सताइस ठीक है। अब अगर यहाँ करेंगे तो छः चौके चौबीस और यहाँ हो गया कच्ची प्लो माइनस ना तो माइनस रख लेंगे आप माइनस दो ले लेंगे तो ये खत्म ये खत्म इस लाइन में लगभग मर दिया इस लाइन में पुलिया मर दिया तभी देखिए एक गुने नौ ठीक है यहाँ हो गया माइनस छ यहाँ भी इसको भी नौ लिख दीजिए डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है
नौ, यहाँ पे प्लस चार, ये खत्म ये खत्म, तो यहाँ पे चार ठीक है, ये हो गया माइनस तीन। इस तरह इसको हल कीजिए, एक गुने हो जाएगा आपको कितना तीन, माइनस दो गुने हो गया आपका तीन, यहाँ हो गया प्लस चार गुने एक, तीन तीन दुनी छ हुआ प्लस चार जोड़ जाएगा तो ये हो गया सात, माइनस छ कट के हो गया आपका मान एक, घट भी दिया पता नहीं कोई घट गया थी ना, सब उल्टा पुल्टा कटा दिए था वो सूचना है, तो कितना ऑप्शन है ए ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात, सात को क्वेश्चन दिया है, सात को क्वेश्चन देखिए तो फॉर्मूला ही पूछ दिया है, P A यूनियन B वाट, तुरंत इसका फॉर्मूला पता है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन तो ढेर दिया है, दिया है कि P A प्लस P B प्लस P A इंटरसेक्शन B, फिर देखिए B में दे दिया आपका P A माइनस P B माइनस P A B, C में दे दिया P A PB, PAB, ठीक है, और D में देखिए, D में PA, PB, PA, intersection B, तो आप बताइए, इसमें साथ देख लीजिए, अब तुरंत लिखे फॉर्मूला तो लग रहा है ये C होगा, लग रहा है यही है, ठीक है ना, ठीक है, और देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ आठ का क्वेश्चन दिया है, देखिए आठ में अरे पीई मतलब पीई मतलब इवेंट वाटर क्या होता है, एम हो गया एन ई प्लस एन एस, बी में दे दिया आपको एन एन एस एन ई, सी में दे दिया आपको एन ई एन एस ठीक है, डी में दे दिया, डी में दे दिया एन ई बटा में एन एस, अब देख लीजिए आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए इसका हो जाएगा पी ई बराबर हो जाता है एन ई बटा एन एस, यानी ई से होता है इवेंट, क्या होता है इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है तो घटना होता है ठीक है। और देखिए वो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूला में, और देखिए क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ में देखिए दिया है सदीश 19 आई वेक्टर दिया है प्लस जे वेक्टर माने 6 के वेक्टर का मापांक पूछा है, क्या पूछा है मापांक क्या रखे, तो इसका ऑप्शन दिया है रूट अंदर 322, बी में दिया है रूट अंदर 420 और सी में दिया है 421, डी में दिया है 422 ठीक है। देखिए सबको क्या करेंगे, हम मापांक निकालने के लिए हम उसको रूट में ले जाएंगे, मान लीजिए इसको हम लोग पहले ए वेक्टर बराबर लिख लेंगे ठीक ना, 19 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर दिया है माइनस 6 के वेक्टर दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंदर 19 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए अब इसको हल कर लीजिएगा तो हमको लग रहा होगा ई अपन 300 ये गुना कीजिए 19 19 ठीक है, तो 9 81 ये 9 8 17 हो जाएगा ठीक है,
18, 17, फिर 9, फिर हो गया यहाँ पर 1, यह 1, यहाँ पर 6, 361 हो गया यहाँ, 361, 25, प्लस 36, तो हम जोड़ दीजिए इसको भी, 25, 36, ठीक है, तो ये हो गया 6 दिन बाद 2, ठीक ना, हासिल 1, 5, 6 दिन बाद 2, हो गया ये हो गया 4, तो इस ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या है, तो 422 प्रश्न, इस तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं पापा का, तो हम उसका इस प्रकार सब लोग हल कर लेंगे कॉपी के पीछे की, हमको भी इसके आंसर याद था, लेकिन आपको सामने हम इसलिए किए हैं कि जान जाइए कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग आते हैं जाते हैं मैट्रिक में परीक्षा देने या इंटर में, तो हम लोग हड़बड़ाई में एकदम पूरा देख रहे ससुरा ओ पोतले बी, तो हम लोग बी हो रहा है अपना पोतो, अपना पोतो में तो खुद पता चल जाए, नहीं पता रहे तो हम लोग हम खुद धो ले, तो पहले पहले से पेट भरा रहे तो फिर लोग पूछता है, जब भूखे रहिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस सब ध्यान देना होगा, ठीक है, तो पहले आप हल कीजिए, यदि आपको नहीं आता है तब आप उसके चक्कर पड़िए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पी ए प्लस पी ए, ठीक है, ऑप्शन बराबर दिया वाट, बराबर कर दिया है वाट, और ध्यान से देखिएगा इसको क्वेश्चन लोग बनाएंगे, तो कह रहा है कि PA बराबर वाट हुआ, सॉरी यहाँ पर डैश दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है 0, 1, सी में दिया है -1, PE, ठीक है। देखिए PA मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, A मतलब कोई मान लीजिए घटना घटना, A डैश मतलब नहीं घटना, तो निश्चित है कि जब दो लोग लड़ाई करेंगे या कोई दो लोग कोई भी काम करेंगे या हम पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित है कि या तो फर्स्ट होंगे या तो पास होंगे तो फेल होंगे, तो दो घटना घटती है, यानी जो भी घटना घटी उसमें से दो घटना घटी में से एक तो जरूर घटना घटी, या तो पास है तो फेल, या लड़ाई या तो कोई मान लीजिए कोई गोली मार रहे थे मरेंगे या तो उसको मारेंगे, तो निश्चित एक घटना तो घटेगी, जब एक घटना घटती है तो हम इस पर टिक मार देंगे निश्चित पर, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बने रहिए मेरे वीडियो अगले वीडियो के लिए।